battery generator supplies 50 megawatt to an infinite bus, the steady state limit of the system being 100 megawatt determine whether the generator will remain in synchronism if the prime mover input is suddenly increased by 30 megawatt. यानी एक तरीके से आप ये देखिए कि पहले 50 मेगावाट इनपुट था, अब हमने अगर सडनली 50 मेगावाट पर और 30 मेगावाट इनपुट दे दिया जनरेटर को, तो 50 मेगावाट की जगह कितना हो गया 80 मेगावाट, तो प्राइम मूवर का इनपुट आपने इंक्रीज कर दिया और जो स्टेडी स्टेट लिमिट है वो है 100 मेगावाट, तो इन कंडीशन में जो जनरेटर है वो स्टेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए जब यहाँ पर देखो हमें पता है कि हमें फाइंड करना है बेसिकली जो पूरा जो स्टेबिलिटी फाइंड करना है इसको हमें फाइंड करना है इक्वल एरिया क्राइटेरिया से, और इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लिए आप करते क्या हो, आप बेसिकली जो भी रिलेशन है वो या तो पी एम होता है या फिर पी ई होता है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर या फिर मैकेनिकल पावर, और इन दोनों के बेसिस पर आप कैलकुलेट करते हो पी ए एक्सेलरेशन पावर। तो ये अगर मैं पी ई की बात करता हूँ तो पी ई वो हमेशा जो है ना साइनोसॉइडल कर्व फॉलो करेगा, पी ई इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा जो आप बात करते हो। तो इस एक्सिस पर मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है डेल्टा और वाई एक्सिस पर लिया है मैंने पीई, ये पावर कह लेते हैं। तो अब मेरा पहला जो है ना जो पीई है, पीई साइनोसॉइडल कर्व फॉलो करेगा, तो ये मेरा पीई का कर्व हो गया। अब यहाँ पर गिवन है कि द स्टेडी स्टेट लिमिट ऑफ द सिस्टम इज बीइंग 100 मेगावाट, यानी ये इसके मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 हो गई है। अब पहले जो इनपुट था इसको वो था 50 मेगावाट, तो जो पी मैक्स जो मैकेनिकल पावर इनपुट था पहले ये था 50 मेगावाट, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया 50 मेगावाट, ये मेरा हो गया 50 मेगावाट। अब क्या हुआ, सडन इंक्रीज होने से इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 50 मेगावाट की जगह 80 मेगावाट, तो अब ये हो गया 80 मेगावाट। इस केस में जब मैं डेल्टा पर ड्रॉ करूंगा तो ये जो एंगल था हमारा, दिस एंगल विल बी डेल्टा वन इट देन, इसके बाद जो है जब ये 80 मेगावाट हो जाता है तब इस एंगल की वैल्यू हो गई डेल्टा टू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इस केस में ये डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू, और इस टाइम पर ये जो वैल्यू है रोटर एंगल की दैट विल बी पाई माइनस डेल्टा टू। अब अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, और दूसरा जो स्टेबिलिटी के जो ले हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एक हमारा होगा ये एरिया, तो ये बेसिकली हमें दोनों एरिया कैलकुलेट करने होंगे। तो मैं अगर इनके नाम देता हूं तो ये मान लीजिए आप ए है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए जी, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है तो हमने इसको मान लिया एम, और ये पॉइंट है डेल्टा वन वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ई, डेल्टा टू का जो पॉइंट है दैट इज एफ, और ये जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया एच। अब ये जो पावर एंगल कर्व है तो ये तो हमेशा साइनोसॉइडल वैल्यू फॉलो कर रहा था, साइनोसॉइडल पाथ फॉलो कर रहा था, तो पी ई इज इक्वल टू पी मैक्स
साइन डेल्टा। अब जब पी जो है ना, इसको आपने साइन डेल्टा का जो है ना ये फॉलो करने के हिसाब से, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पॉइंट ए पर देखना है तो मैं क्या कहूंगा, एट पॉइंट ए, क्योंकि अभी हमें केवल ये वैल्यू पता है कि ये 50 मेगावाट था, 50 मेगावाट से बढ़ के ये 80 मेगावाट हो गया, और जो इसकी स्टेडी स्टेट लिमिट है वो 100 मेगावाट है। तो मुझे ना अभी डेल्टा वन पता है ना डेल्टा टू पता है, तो मुझे अगर डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू जब तक नहीं पता चलेगी तब तक मैं ये एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकता, और जब तक एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकता तब तक मैं इस जनरेटर की स्टेबिलिटी पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू चाहिए, तो एट पॉइंट ए ये क्या होगा, पीई कितना है, यहाँ पॉइंट ए पर है ये 50 मेगावाट, क्योंकि पॉइंट ए पर पीई और पीएम दोनों बराबर होंगे, तो इनिशियल पॉइंट ये था, तो यहाँ पॉइंट ए पर 50 विल बी इक्वल टू 100, क्योंकि पी मैक्स क्या है 100, 100 साइन डेल्टा वन। तो जो डेल्टा वन की जो वैल्यू आएगी इससे, साइन डेल्टा वन विल बी इक्वल टू 50/100, और दिस विल बी इक्वल टू 1/2। यहां से अगर मैं डेल्टा वन कैलकुलेट करता हूँ तो दिस डेल्टा वन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। और एक और चीज, जहां इस तरीके पर हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि नोट कर लो कि जो डेल्टा है हमेशा रेडियन में रहेगा, डेल्टा को रेडियन में लेना है, ये पॉइंट ध्यान रखो हमेशा। तो इसको रेडियन में कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0.523 रेडियन। तो अब हमारे पास डेल्टा वन की वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए डेल्टा टू। तो जब मुझे डेल्टा टू चाहिए तो फिर मैं कौन से पॉइंट पर जाऊंगा, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ 80, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 80 विल बी इक्वल टू 100 साइन डेल्टा टू, और यहाँ से जो डेल्टा टू है साइन डेल्टा टू, दिस विल बी इक्वल टू 80/100, और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो डेल्टा टू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 53.2 डिग्री और 0.927 रेडियन। ये मैं वैल्यू क्यों सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ और ये एग्जांपल है अस्पाक हुसैन बुक से, तो कैलकुलेशन टाइम को अवॉइड करने के लिए मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आप ये जो कैलकुलेट जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाए। अब मुझे चाहिए एरिया, मुझे एरिया ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज ए वन, और ये जो एरिया है ये एरिया है ए टू। मुझे अगर ये एरिया ए वन चाहिए तो ए वन के लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरा इतना जो जो है ना हमारा रेक्टेंगल है, कौन सा, जी बी एफ ई, इसमें से मैं कौन सा पार्ट माइनस कर दूंगा, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं जो डॉटेड वाला, तो मैं मुझे यह वाला एरिया मिल जाएगा। तो मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा कि मुझे चाहिए ए वन, ए वन क्या होगा, जो एरिया अंडर दिस ए जी बी, एरिया ए जी बी, और ये एरिया क्या होगा, एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल, तो एरिया कौन कौन सा है यहाँ से, ई जी बी एफ, ई जी बी एफ माइनस, अब कौन सा बचा, ये वाला पॉइंट कौन सा, ई ए बी एफ, तो एरिया ई ए बी एफ। अब देखो जो एरिया अंडर ई जी बी एफ था, तो ई जी बी एफ जब आप निकालोगे, ई जी बी एफ, तो इसके लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है, ये क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो या फिर जो है ना एक्स एक्सिस
जो इतनी लेंथ है वो, और मल्टीप्लाइड बाई वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू पता है, और वाई एक्सिस पर आपको ये पी पता है। तो वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 80, और डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन करोगे तो 0.927 माइनस 0.523। ध्यान रखना है, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, पहले भी बताया था कि ये जो डेल्टा की वैल्यू है रेडियन में कंसिडर करना है। और जब भी आप स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो कैलकुलेटर को बेटर है कि आप रेडियन मोड में ही रख लो। तो जब आप इन्हें रेडियन में रखेंगे तो 0.9237 माइनस 0.523 ये आपका निकलेगा एरिया अंडर दिस। और इसके अंदर जो एरिया निकालना है आपको, ये एरिया देखोगे कि आपका ये साइनोसॉइडल कर्व फॉलो हो रहा है, तो यहाँ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस साइनोसॉइडल कर्व को फ्रॉम लिमिट डेल्टा वन टू डेल्टा टू। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दिस एरिया ए जी बी एफ दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके इसको देखें, ये एरिया ई जी बी एफ, तो ई जी बी एफ यहां पर ये क्या होगा 80 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन माइनस ये ई ए बी एफ चाहिए, तो ई ए बी एफ तो इसको आपको निकालना है। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा वन से लेके डेल्टा टू तक। और जो ये कर्व है ये कौन सा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, साइनोसॉइडल, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज 100 साइन डेल्टा, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे डी डेल्टा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे 100 तो सॉरी 80, डेल्टा टू की वैल्यू थी 0.927 और डेल्टा वन की वैल्यू थी 0.523 माइनस, यहाँ आपने जब इसको पूरे को जो है ना आपने इंटीग्रेट करके और लिमिट रख दी तो ये आपकी वैल्यू आएगी 100 कॉस डेल्टा टू माइनस कॉस डेल्टा वन। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये रेडियन में है, सारे रेडियन में है, तो आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड में ही रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू देगा आपको 5.72 मेगावाट रेडियन। मेगावाट रेडियन क्यों, क्योंकि आप पावर में एंगल का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो ये निकला इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी मेगावाट रेडियन। अब मुझे चाहिए ए टू, ए टू जब मुझे निकालना है तो ए टू कौन सा होगा, ये एरिया कौन सा, बी एम सी, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया बी एम सी। अब जब मुझे बी एम सी चाहिए, मैं इसके लिए क्या करूंगा कि ये जो पूरा एरिया है कहाँ से कहाँ तक, यहां से एफ बी एम सी एच, ये पूरा एरिया क्या होगा अंडर दैट साइनोसॉइडल कर्व। और उस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं जो ये रेक्टेंगल है, तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया कहाँ से कहाँ तक, एफ एफ के बाद बी एम सी और सी के बाद आ गए एच दिस माइनस, अब मुझे चाहिए ये वाला एरिया, तो एफ बी एरिया एफ बी सी और सी के बाद एच। मैं फिर से इसको जब मुझे सॉल्व करना है तो दिस विल बी इक्वल टू ये जो एफ बी एम सी एच, ये कौन सा होगा, यहाँ से एफ बी एम सी एच, तो ये मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, डेल्टा टू से लेके पाई माइनस डेल्टा टू तक। तो दिस विल बी डेल्टा टू टू पाई माइनस डेल्टा टू 100 साइन डेल्टा डी डेल्टा माइनस, ये जो एफ बी सी एच चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पर देखो ये कितना होगा, डेल्टा पाई माइनस डेल्टा टू माइनस डेल्टा टू एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर 80, तो दिस विल बी इक्वल टू 80 फिर मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस डेल्टा टू माइनस डेल्टा टू। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये सॉल्व करके बता दिया है आपको, इसलिए मैं इसको पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा डिटेल में, इसकी जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 117 मेगावाट रेडियन, 117 मेगावाट रेडियन। अब देखिए A1 की वैल्यू है 5.72 मेगावाट रेडियन, A2 की वैल्यू है 117 मेगावाट रेडियन। तो अब यहां पर A1 जो है ना, A1 जो है दैट इज लेस देन A2, इट मींस ये जो सिस्टम है ये होगा स्टेबल। इसी तरीके के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि अभी मैंने ये 30 दिया है, यहाँ पर कितना मैक्सिमम डिस्टरबेंस दिया जा सकता है या कितनी मैक्सिमम मैकेनिकल पावर चेंज दी जा सकती है जिससे वो सिस्टम अपना सिंक्रोनिज्म या फिर जनरेटर अपना सिंक्रोनिज्म लूज ना करे। इस तरीके का जो भी एग्जाम्पल है इसको हम नेक्स्ट जो है ना क्लास में डिस्कशन करेंगे।